ये असी वापस करा के ही दम लवेंगे तो वापस करा के ही जावे। ये कल की जड़ी मीटिंग की गल हुई है। उस तो बाद जे अज कुछ नवे फैसले सारिया जथेबंदियां ने लै गए ने, पांच दसंबर नू मोदी गवर्नमेंट ते कारपोरेट घराण पुतले फूके जाएंगे सारे इंडिया दे विच। पांच तरीक नू कारपोरेट घराने ते मोदी सरकार दे पुतले फूके जाएंगे। सत्त तरीक नू जिन्हें मैडल मिले मिले जिन्हां भी वीरां नू वो आपदे मैडल जिहड़े आ वो वापस करनगे। और अठ तरीक नू असी काल दित्ती आ पूर्ण तौर पर भारत बंद का सद्दा दिता, सारा भारत असी बंद कर देवे तो सारे जेडे टोल प्लाजे आ वह भी असी खिला देवे। ये असी अज जल देख आए हो जो टोल प्लाजे फ्री कर देवे सारे, जिमें पंजाब दे विच फ्री ने इस तरह असी इंडिया दे विच भी सारे वो फ्री कर जा रहे हैं एक दिन लई। उस तो बाद जी सा लम्मी तैयारी आ साढ़े को पूरी सपोर्ट सारे सूबे तो आ रही आ, सारे जिमें दो ही रास्ते जड़े ने यूपी के भी बंद हो चुके ने, दो उपरला पुल भी बंद करता, अज थले वाला पुल भी बंद कर दिता। आने वाले दिनों असी जी दिल्ली की पूर्ण तौर पर जी नाकाबंदी आ जड़िया दो सड़क बचदिया ने असी तैयारी कर ली अठ तरीक तक, वह भी पूरी कोशिश करा तो वह पूरे तौर पर जड़े ने नाके बंद कर दते जाएंगे। अज साडे नाल सारे भारत के किसान आ गए ने, किथे बंगलौर दे विच भी धरने दिते जा रहे, कर्नाटका दे विच धरने दिते जा रहे, महाराष्ट्र दे विच भी धरने दिते जा रहे ने। ते सारी लीडरशिप साडे कोल आ गई है, कल्ला है एक जां दो सूबियां दा नहीं रहा, पूर्ण तौर ते सारे नाल सूबे जुड़ गए ने। ते असीं पूर्ण इहनूं संघर्ष नूं होर तेज़ करांगे ते गवर्नमेंट नूं झुका के ही दम लवांगे, झुका के ही जावांगे। देखो तुसीं पंजाब तों किवें गड्डियां भर भर किवें राशन आ रहा, हर बच्चे तों लै के बुढ़े तक हर एक बंदा कहिंदा भी मैं अंदोलन का हिस्सा बनना, हर एक लोग साडे कोल आ रहे ने। असी होर भी बेनती कर रहे हैं भी आ जाओ, लम्मी लड़ाई आ सारे, जिहड़ा बंदा घरे ना रहे कोई वीर किसान घरे ना रहे सारे वीर इत्थे आओ, ते लम्मी लड़ाई लड़न नूं तैयार हाँ, पक्के तौर पर बैठन नूं तैयार हाँ। ते असी इह भी गवर्नमेंट नूं कहा छेती तुसी सैशन बुलाओ, सैशन बुला के जिहड़े इहदे विच कानून आ जिहड़े बनाए गए ने कानून काले कानून ने इन्हां नूं रद्द करो, पार्लीमेंट का सैशन बुलाया बुलाया जाए ते इह कानून रद्द किए जाण, इह असीं कह के आए हां। सारा इंडिया बंद होगा, भारत बंद होगा। हुण जोधवीर जी अगली गल करेंगे। अभी नरेंद्र लाखोवाल जी ने आपको बताया कि किसान मन बना चुका है आर-पार की लड़ाई लड़ने के, पूरे देश में आज किसान बेचैन है, दिल्ली आना चाहता। ये जो कोविड की वजह से जो हालात हैं, जो ट्रेनें नहीं चल रही हैं और जो ट्रांसपोर्ट उपलब्ध नहीं है, उसकी वजह से अब तक धैर्य किए हुए किसान बैठा था, लेकिन किसान का धैर्य चूक गया। किसान पैदल आने के लिए भी तैयार। आज तमिलनाडु में हमारा प्रदर्शन था, हमारा कर्नाटक में निरंतर हर पंचायत स्तर पे प्रदर्शन चल रहा। हमने अपने तमाम स्टेटों के किसानों को नेताओं को ये कह दिया कि वो दिल्ली पहुंच जाए और जो संगठन है वो तैयारी कर ले, क्योंकि जैसा सरकार का रवैया है उसको देखते हुए शायद सरकार हमारी और परीक्षा लेने चाहती है। सरकार को गफलत और गलतफहमी है, सरकार को समझ लेना चाहिए। ये कोविड तो छोटी बीमारी थी, ये जिसको हाथ उन्होंने लगा दिया ये कोविड का बाप, ये देश का किसान आज एक सुर में खड़ा। आज किसान अपने भाई के साथ कंधे से एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा, और इस यज्ञ में जो किसान पिछड़ जाएगा उसकी पीढ़ियां उसको माफ नहीं करेंगी कि एक बड़ा यज्ञ किसानों ने दिल्ली में शुरू किया था। आप कहां थे उस समय? जवाब नहीं दे पाएंगे अपने बच्चों को। तो ये मैं जो मेरे किसान भाई घर बैठे जो सो रहे हैं जो गफलत में, वो तैयारी करें और इस दिल्ली के यज्ञ में आके अपने आहुति दे। लड़ाई आर पार की होगी, पीछे हटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। देश का किसान जो है दिल्ली में बैठा हुआ है इस सर्दी में, इस विपरीत परिस्थिति में अपने खेत का काम छोड़ के यहाँ बैठा, और पिछले रविवार को जब प्रधानमंत्री ने मन की बात की
तो उस मन की बात में उन्होंने कहा कि किसान समझ नहीं रहा, उसको समझाने की जरूरत है। ये अपने आप में उनके अहंकार को दर्शाता। अहंकारी व्यक्ति जो है वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कह सकता। उनको कहना चाहिए था कि इतनी संख्या में किसान दिल्ली की तरफ आए हैं, निश्चित तौर पे हमसे कोई चूक हुई होगी और हम खुले मन से उसको सुनेंगे और सुधारेंगे। लेकिन उसके बाद बनारस में फिर वो दूसरे दिन बयान देते हैं और फिर उस बात को दोहराते हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री कहते हैं कि MSP चालू रहेगी और दूसरी तरफ कहते हैं बिहार मॉडल लागू किया जाएगा देश में। बिहार में MSP और मंडी खत्म कर दी गई है, आपको बता दूं मैं। तो बिहार मॉडल जब लागू किया जाएगा तो MSP कहां से चालू रहेगी? मुझे समझ में नहीं आता प्रधानमंत्री को कौन सलाह दे रहे हैं, या प्रधानमंत्री जी अपने अहंकार में किसान की ताकत को समझ ही नहीं रहे। जैसा कि साथियों ने बताया, इस पे पूरी सर्वसम्मति है कि किसी तरह के कोई संशोधन का मामला नहीं है। हम तो बिल्कुल खारिज करवाना चाहते हैं 3 कानूनों को, और MSP हमारी बुनियादी डिमांड में से एक है, जैसा आपने स्पष्ट किया। मैं सिर्फ 1-2 सूचना और दे दूं आपको। जैसा हमारे युवा साथी ने बताया, अब ये जन आंदोलन बन गया है, अब ये सिर्फ एक किसान आंदोलन नहीं है। आज देश की ट्रेड यूनियंस की जो सबसे बड़ी फेडरेशंस हैं, उन 10 फेडरेशन ने आके, 10 ट्रेड यूनियन नहीं, ट्रेड यूनियन की जो फेडरेशंस हैं, एक एक फेडरेशन में सैकड़ों ट्रेड यूनियन है, उन 10 ट्रेड यूनियन फेडरेशंस ने आके अपना सपोर्ट यहाँ पे हमें जाहिर किया है किसानों को। इसमें ATAC, INTAC, C2, UTUC, UTUCI, HMS और तमाम ऑर्गेनाइजेशन शामिल है। ये हर बहुत बड़ी बड़ी फेडरेशन है, 10 फेडरेशन ने हमें सपोर्ट जाहिर किया है। कर्नाटका में किसानों ने तय किया है कि 7 तारीख से लेके 15 तारीख तक वो विधानसभा के सामने धरना देंगे इन्हीं कानूनों के खिलाफ। 7 तारीख से 15 तारीख तक कर्नाटका के जितने किसान संगठन है, सबने मिलके ज्वाइंट फैसला लिया है, वो वहां पे धरना दे रहे हैं। कल से महाराष्ट्र के जो 8 डिविजनल हेडक्वार्टर हैं, बड़े बड़े हेडक्वार्टर जैसे पुणे है, औरंगाबाद है, जितने भी बड़े डिविजनल हेडक्वार्टर हैं, सब पे किसानों का परमानेंट पक्का धरना वहां से शुरू हो रहा है कल महाराष्ट्र में। तमिलनाडु में भाई साहब ने बताया कार्यक्रम चालू है। पश्चिम बंगाल में कल पूरे प्रदेश में रास्ता रोको का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। जैसे मैंने कहा, ये खबरें आ रही हैं, मैंने खासतौर पर उन स्टेट्स को हाईलाइट किया है जहां की खबरें आमतौर पर नहीं आती है। ये राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश की खबरें तो हम देखते रहते हैं, लेकिन ये आंदोलन अब पूरे देश में फैल रहा है और इस जन आंदोलन के सामने किसी सरकार की हिम्मत नहीं है कि वो टिक सके। हम खाली चाय पे चर्चा नहीं करने जाते। कल इस किसानों ने दिखा दिया कि हम तो चाय भी अपनी लेके जाते हैं, खाना भी अपना लेके जाते हैं, और अब चाय पे चर्चा का दौर खत्म हो गया। अब एक निर्णायक दौर में पहुंच गया ये आंदोलन, और इस निर्णायक दौर में आर पार की लड़ाई होगी। शुक्रिया। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।